निकल जाते हैं, पूरा आपका बेड बन जाएगा आराम से लेट के, पूरा कंप्लीट। ये तो मेरे को लग रहा है इसमें मेरी हाइट का बंदा तो आराम से लेट जाएगा पूरा। ये सीट बेल्ट यहाँ पे खोल देते हैं हम। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बेस्ट, वी आर मेकिंग लैंड रोवर आल्सो। वाओ क्या बात है, ब्यूटीफुल साउंड भाई, पप्पी है, रेंज रोवर जैसी एक फील आ रही है। केबिन में बैठ के ऐसा लग रहा है एकदम जबरदस्त फीलिंग। टॉप मॉडल आता है उसके अंदर आता है पैनोरामिक सनरूफ। भाई अगर इसका आगे से नाम हैरियर हटा दो तो ऐसा लगेगा कि ये रेंज रोवर आ रही है। लेदर फिनिश टच आ रहा है ये पूरा, और ये हार्ड प्लास्टिक है। पकड़ बहुत जबरदस्त दी है, मतलब आप एक बहुत ह्यूज और हैवी डोर को बंद कर रहे हो। शायद आप लोगों को तो साउंड आ रही हो। एसी ब्लोअर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनका शेप आप लोग देख सकते हैं। एसी ब्लोअर्स का 6-speed गियरबॉक्स इसमें दिया गया, ऑक्स है, यूएसबी पोर्ट है, अच्छा खासा स्पेस दिया गया। ये शायद कॉइन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं आप। ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही लग्जरी लग रहा है ना, एकदम अलग ही। क्या है भाई ये, कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? एक्चुअली हैंड ब्रेक, ये देखिए ये हैंड ब्रेक है, इसको नीचे से प्रेस करेंगे और आप ऊपर पुल करेंगे। ये देखिए पूरा हैंड ब्रेक यहाँ पे इस्तेमाल, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा। ग्लास होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं कुछ चीज सामान रखने के लिए। ये देखिए इतना ज्यादा कुछ सामान इसमें आएगा नहीं। एसी ब्लोअर्स यहाँ पे दिए कि मैं एक बार चेक कर लेता, इसमें नहीं दिया गया। 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं 12 वॉट का, यहाँ पे आप सिगरेट लाइट करने का लगा सकते हैं, और यहाँ से आप सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं सीट की हाइट एडजस्ट कर रहा हूँ। ये कमांडिंग पोजिशन पे मैं जा रहा हूँ, अभी आगे का पूरा एकदम क्लियर व्यू मेरे को मिल रहा है, और सीट की हाइट बढ़ा सकता हूँ मैं। ये देखिए अपनी हाइट के अनुसार आप सीट को पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छे से इजिली टर्न कर पाएंगे, ऑफ रोड भी कर सकते हैं आप इस गाड़ी से, रोडिंग के लिए, कैंपिंग के लिए। भाई ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। जो मिरर आप लोगों को दिख रहा है, इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पा रहा है मुझे, मतलब पूरी एकदम क्लियरेंस पीछे की साइड से अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे इतना क्लियर यहाँ से व्यू नहीं दिख पा रहा है। ये यहाँ पे आप लोग इसमें अपना चश्मा वगैरह रख सकते हैं। एयर बैग गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, और यहाँ पे तो कोई मिरर नहीं है, और यहाँ पे भी कोई मिरर नहीं दिया। लोग इंटीरियर देख सकते हैं, रात के समय में गाड़ी के अंदर जो व्हाइट लाइट यहाँ पे दी गई है, तो इंटीरियर एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मिडल की सीट पर बैठा हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई बीच में नहीं बैठना, थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके बैठते हैं या टेढ़ा हो जाता है आदमी, तो मतलब हिप एक जगह नहीं रहती है। कंफर्ट के साथ तीन लोग, अगर मेरी बॉडी के लोग आ जाए ना भाई, तो तीन लोग आराम से इस गाड़ी में बैठ के अपनी जर्नी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ना फिनिशिंग में कमी आ रही है, बॉडी को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और अंदर से भी देखने के बाद ऐसा लग रहा है। थोड़ा जो प्लास्टिक है ये है ना, थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं से भी हिल रहा है, गैप आ रहा है। ये देखिए इसको अगर मैं ऐसे थोड़ा बैंड कर रहा हूँ तो ये ना थोड़ा हिल रहा है। ये देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जो फिटिंग करी है ना उसमें कुछ कमी है, फिनिशिंग में कमी आ रही है। यहाँ पे ना एक हैंडल दिया गया है, मतलब ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई कि हाथ स्लिप हो रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया हैंडल दिया गया है, इसको खींचो नीचे और इसको प्रेस कर दो, गाड़ी एकदम परफेक्टली बंद हो जाएगी। पीछे का इसको आप हटा भी सकते हैं, और नीचे का स्पेस आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि ये फिलहाल ये देखिए यहाँ पे टूल किट्स वगैरह दी गई हैं, मतलब एयर प्रेशर टाटा अब प्रोवाइड कर रही है। चलो ये छोटी छोटी चीज़ें टाटा को, सच में यार टाटा ने बहुत गजब का काम किया है, कि मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें टूल किट के अंदर टाटा ने प्रोवाइड करी हैं। अब स्पेस को खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग टायर वगैरह, एक्स्ट्रा टायर और स्टेपनी वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर इसको भी हटाया जा सके, अगर इसको भी आप हटा सके तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस आप बनाकर कुछ बैग्स वगैरह रखकर, मतलब कैंपिंग के हिसाब से अगर आप कभी निकल रहे हैं, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाड़ी के अंदर अपना इंतज़ाम करके निकल सकते हैं। किसी भी चीज़ का मुझे लग नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे आपको टाटा हैरियर के अंदर कमी होने वाली, स्पेस को लेकर, लगेज को लेकर। और ये आप लोग देख सकते हैं टाटा का लोगो इसके अंदर कनेक्ट। यहाँ पे रेडियो है, ऑडियो सेटअप है, यूएसबी ऑक्स, फ़ोन, ब्लूटूथ, और इसको अगर लेफ्ट, यार टच में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, टच में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तेज प्रेस करना पड़ रहा है। अगर इसकी क्वालिटी थोड़ा सुधार दे टाटा। कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्राइव, नेक्स्ट, सेटिंग और थीम्स,
इसके आप लोग थीम भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका आप लोग ब्राइटनेस भी कम और तेज कर पा रहे हैं, ये देखिए। बट मुझे थोड़ा ना भाई, थोड़ा मेरे को टाइट प्रेस करना पड़ रहा है, कमी है क्वालिटी में, बहुत कमी है भाई। ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। कलर ऑप्शन आते हैं वो यहाँ पे 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाइक हिटू पूरा बाइक ने इसको हिट किया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ, यानी क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बेस्ट है। And the fact that they are making Land Rover also. XE model first रहेगा। उसके बाद हम बोलेंगे XM. XM, देखिए M. Okay. फिर XT. XT. तो जैसे जैसे मॉडल ऐड होते जाएंगे, सारे फीचर्स ऐड होते जाएंगे। जो टॉप मॉडल रहेगा उसमें ये सारे फीचर्स हैं। टॉप मॉडल में भी ऑप्शन आता होगा कि किसी को पैनारोमिक सनरूफ चाहिए नहीं चाहिए, उसका ऑप्शन। टॉप एंड वेरिएंट में पैनारोमिक सनरूफ आती है। आते ही है। ऑप्शन में नहीं चाहिए सर पैनारोमिक सनरूफ, तो उसके लिए XZ। देखिए XZ प्लस में से 4 फीचर बढ़ रहे हैं। ओके। एक आपका पैनोरमिक सनरूफ हो गया, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हो गई, अच्छा, ऑलरेडी बिंग IRBM हो गया, और समय 17 डायमंड के टेल लाइटिंग्स, अच्छा। अगर ये किसी को नहीं चाहिए तो फिर XZ, फिर XZ में जाना पड़ेगा। हाँ, ये भी टॉप एंड वारंटी है, बेसिकली BS4 में टॉप एंड था ये, अच्छा। ये 4 फीचर्स ऐड करके उन्होंने XZ प्लस बना दिया इसको। तो ये जो हम लोग मॉडल देख रहे हैं 22 मॉडल है अभी का मैन्युफैक्चर, 225 लीटर का बूट स्पेस आता है, अच्छा। एडिशनल स्पेस नीचे दिया, जो आप स्पेस देख रहे, एक्स्ट्रा स्पेस है। मतलब क्या यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? सीट फ्लैट करके पूरा गद्दा बेड बन जाता है, अच्छा। तो आपको एक्स्ट्रा अगर गद्दा रखना है बिछाने के लिए तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये रिमूवेबल है, बीच वाला पार्ट निकल जाता है, अच्छा। ये बीच वाला पार्ट निकल जाएगा, इसके नीचे आप गद्दा रख सकते हैं, वो सीट बैंड हो जाएगी, वो सीट पूरी फ्लैट हो जाती है, पूरा आपका गद्दा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाता है, आपका बेड बन जाएगा आराम से लेट के, पूरा कंप्लीट। ये तो मेरे को लग रहा है इसमें मेरी हाइट का बंदा तो आराम से लेट जाएगा, पूरा बेड बन जाएगा एकदम। इसको आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये सीट बेल्ट यहाँ पे खोल देते हैं हम। इसमें मैट डालो, बढ़िया एकदम, लॉन्ग ड्राइव। अगर हरियर की बात करें, 30 हाँ। साल से ज्यादा टाइम हो चुका है हरियर को छोड़ के, अच्छा। तो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, प्रूव कर चुकी है गाड़ी। सफारी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो वो भी अपने एक रिलायबल कार है, हाँ। अगर इसके इंजन की बात करें तो लगभग फिएट का 2000 cc का इंजन आता है, अच्छा। सेम इंजन आपका जीप और MGV यूज करती है, दो फॉरेन कंपनीज है, अच्छा। तो रिलायबल है इंजन, नो डाउट वो अपने आप को प्रूव भी कर चुका है, पिछले 3 साल से हेलो चल रही है रोड पे, 3 साल से चल रही है गाड़ी, 1 साल से ऊपर आपको सफारी। मतलब ऐसा होता है ना कि गाड़ी लॉन्च हुई है तो लोग बोलते हैं भाई 1,00,000 किलोमीटर देखने दो, पहले चलने दो 1 साल, तब पता चल जाएगा। 7 डबल होगा, अभी लोग उसके पीछे भाग रहे, डिलीवरी भी प्रॉपर वो दे नहीं पा रहे। 7 डबल को तो भयानक तरीके से यूट्यूब पे तो ऐसा कोराम मचा रखा है गाड़ी ने कि भाई क्या लॉन्च हो गई, लेकिन लोग बोल रहे हैं रुक जाओ इसके प्रैक्टिकली हाँ काम आएंगे धीरे धीरे, 6-7 महीने में समझ जाता है ऑन रोड, क्योंकि इंडियन कितनी गाड़ी कंपनी कितना भी उसको टेस्ट राइड कर ले लॉन्च करने से पहले, बिल्कुल फीचर देने के लिए पहले स्टार्टिंग में जब MG दरअसल है, MG जो आई थी 6 महीने बाद आई, अच्छा। उस टाइम पे भी ये हुआ था कि MG आ रही है, सारे फीचर है, इंटरनेट इंसाइड है, बहुत सारे, हाँ। लेकिन क्या हुआ कि आने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होनी साइडलाइन, करेक्ट। तो इसके सेल में कोई गिरावट नहीं आई है जब से लॉन्च हुई, तब से कंटिन्यूअसली सर्विसिंग कितनी होती होगी इसकी, कुछ पर 10,000 8,000 से 12,000 के बीच में, हर 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर पे, ये तो बहुत अच्छा है फिर। नॉर्मल इसका 7,500 किलोमीटर पे एक सर्विस रिकमेंड की है, लेकिन वो सीवियर कंडीशन, अच्छा। इसकी रफ ड्राइविंग है बहुत ज्यादा, 10-15 उसके लिए वो है। 15,000 पे सर्विस होती है, 8,000 से 12,000 का खर्च आएगा। तो माइलेज क्या दे रही होगी अभी इंडियन रोड्स के हिसाब से? कस्टमर फीडबैक मिला चुका है, कस्टमर से इवन आप 15-16 के आसपास डीजल में, डिपेंड्स करता है कि ड्राइविंग। टाटा का कोई मूड है कि कुछ CNG वगैरह प्रोडक्ट लाएगी हैरियर में? टियागो तो आपको क्या लगता है, मतलब मैं आपसे एक मतलब एक दोस्त की तरह पूछना चाहता हूँ, 20-22 लाख रुपए 24 लाख रुपए आदमी मतलब पूरा पैसा वसूल है इस सेगमेंट में? मुझे लगता है इससे ज्यादा मास्टर कार मतलब मजबूत कार जो, और मतलब मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मैं टाटा में वर्क करता हूँ, पर्सनली गाड़ी बहुत पर्सनली। और आपने जो ड्रेसअप किया हुआ है अभी, जैसे
कि भाई कोई गाड़ी है, कुछ चीज है, कोई रेंज रोवर जैसा कुछ फील। रेंज रोवर लैंड रोवर डिस्कवरी के पेट्रोल में से हां, तो ऐसा अगर देखे जाए ना तो गाड़ी वैसी है, इसके रोड प्रेजेंस अभी भी इसके मुकाबले की नहीं है। एक्सयूवी 7 डोर में हो सकता है फीचर ज्यादा है इसके, ज्यादा है हां, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितना यूजफुल है। करेक्ट, इतना अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो अभी भी अनबीटेबल है। और गाड़ी का पीछे का बैक साइड का डिज़ाइन लो, बॉडी का, बॉडी देखो आप, बॉडी तो मतलब इतना मजबूत मुझे लग रही है यहाँ पे, बॉडी फील बहुत अच्छा आ रहा है। और पैनोरामिक सनरूफ सबसे बेस्ट, पूरा का पूरा रूफ आप एकदम कंप्लीट वो, हाँ बीच वाले में और टॉप मॉडल में। और स्टार्टिंग रेंज के लिए अगर कितना पैसा देना पड़ेगा, वो फर्स्ट बेस मॉडल लेना है इसका तो लगभग 16.5 लाख रुपए में बेस मॉडल आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है अगर आप एक्सचेंज करते हैं कार, हाँ वो सारी चीजें। और इसको अगर डाउन पेमेंट करना हुआ तो मिनिमम 15% के आसपास, 15% 16.5 लाख का 15% डाउन पेमेंट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर, दोनों चीजें। चलिए बढ़िया है। और आपका नाम? मेरा नाम सुमित भाटी, सौरभ भाटी, अंकुश मावी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। आज की वीडियो का बेस है भाई ये हमारी जो टाटा हैरियर है, जिसको 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है इंडियन मार्केट में आए हुए। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हो सकेगा व्यूज़ अच्छे आएंगे, लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो भाई टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलूट, शबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर सो ड्रीम्स, बट मेरी नज़र में गाड़ी पास है।